का देश चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी मना रहा और उनको पता ही नहीं कि क्या है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। चारा घोटाला की जांच सीबीआई करे, इस बात को लेकर कोर्ट कौन गया था शुरुआत में? जो लोग आज लालू जी और नीतीश जी के आसपास हैं, वही लोग कोर्ट गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। कल जमुई आए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए थे, जिसमें भी लालू नीतीश पर जबरदस्त हमला बोला है और एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। क्या करते हैं, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि बोलना कुछ बोल देते हैं कुछ, वैसी स्थिति बन गई है उनकी और ऐसी स्थिति उन्होंने खुद ही बना ली है। अब आरजेडी के लोगों के साथ जिस रूप में चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रात में सोचते होंगे नीतीश जी कभी, तो उनको लगता होगा कि हमने क्या कर लिया और घबराहट में इस तरह का बयान दे देते हैं। अब बताइए, पूरा देश चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी मना रहा और उनको पता ही नहीं कि क्या है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो क्या लगता है, उम्र का तगाजा है या फिर याददाश्त उनका कमजोर? नहीं नहीं, देखिए, यह तो कोई डॉक्टर बता पाएगा, हमारा विषय नहीं है, हम आप कैसे बता देंगे किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात। लेकिन इसका एक बड़ा कारण जो हमको दिखता है, और कारण भी हो सकता पूरी होगी, अब उसमें कहीं कुछ रास्ता ही उनको नहीं दिख रहा है, तो इस घबराहट एक कारण यह भी हो सकता है, घबराहट में ऐसी बात बोल रहे हो या ऐसी उनकी मानसिक स्थिति हो गई हो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लालू यादव के साथ गए, आरजेडी के साथ गए तो उनको रात में सपना आता होगा, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि केंद्र वाले लोग लालू यादव को जबरन फंसा रहे हैं। जब भी उन्होंने ऐसा कहा कि जबरन फंसा रहे हैं, उसी वक्त या जब भी आप लोगों को मौका मिले उनसे पूछिएगा कि चारा घोटाला की जांच सीबीआई करे, इस बात को लेकर कोर्ट कौन गया था शुरुआत में? जो लोग आज लालू जी और नीतीश जी के आसपास हैं, वही लोग कोर्ट गए थे। इसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के ललन सिंह जी, उसमें शिवानंद तिवारी जी, वीर सिंह पटेल साहब जो उन्हीं के साथ हैं, यही लोग मिलकर कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, यह कहने कि इस मामले की जाँच सीबीआई से करा दीजिए। तो नींव डालने वाले तो यही लोग हैं और अब नीतीश जी कह रहे हैं कि बेचारे को फंसाया गया है। अगर नीतीश जी को इतने दिनों के बाद लग रहा हो कि गलती हो गई, तो नीतीश जी बिहार की जनता के सामने यही कह दे, उस वक्त जो हमने चारा घोटाला का आरोप लगाया था, हमारी भूल थी, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लालू जी इसमें दोषी नहीं है, लालू जी पूरे तौर पर साफ सुथरा है, यही बोल दें। लेकिन अब तो बोलेंगे भी क्या, अब तो कई जगह न्यायालय से सजा उनकी साबित है, अपराध साबित है, सजा भी उनको मिल गई है, सजा भुगत भी रहे हैं, अब उसमें क्या सफाई देगी। एक तरफ तेज प्रताप यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें अपने गृह कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, स्पेसिफिक किसी लीडर के बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आरजेडी के लोग जहाँ होंगे वहाँ इससे अधिक अपेक्षा क्या करते हैं। बिहार की जनता उनका पुराना दिन भी देख चुकी है ना, तो आरजेडी के लोग जहाँ रहेंगे वहाँ तो यही होगा जो हो रहा है। अभी देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है पूरे बिहार में, किस तरह से बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना गाड़ी में हुई अभी कल परसों, और हर जगह हत्या, लूट, तो इस तरह की घटना अब अपराधियों के मन से पूरे तौर पर भय नाम की चीज़ समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कुछ करेंगे तो हमारा कुछ नहीं पुलिस बिगाड़ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कोई मदद करने वाला बैठा हुआ है। तो आरजेडी में यही स्थिति कोई मने स्वाभाविक स्थिति है, इससे अलग की स्थिति की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक पार्क है, उसका नाम बदल रहे हैं तेज प्रताप, उसका घोषणा भी कर रहे हैं। हमने भी कहीं से खबर देखी है, तो इसको तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अटल जी का नाम अभी भी मुख्यमंत्री जी लेते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं लेकिन अटल जी का नाम लेते रहते हैं। तो अटल जी का नाम लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन अटल जी का नाम कहीं मिटाया जा रहा हो वास्तव में क्या सच है मुझको नहीं मालूम, अगर मिटाया जा रहा है तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए।
तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार शिक्षा को लेकर प्रखर रहते हैं। अभी देखिए बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, छात्र नाखुश है, कह रहा है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसको बीपीएससी का के बड़े भाई नीतीश कुमार जी को एक बार आप एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, अब सीटों के बंटवारे को लेकर के लोकसभा चुनाव में नजदीक है, तो क्या बातचीत हो रही है? हाँ, बातचीत स्पेसिफिक इस विषय पर नहीं हुई है, लेकिन बातचीत बहुत ही रहती है। एनडीए के में हम शामिल हो गए हैं, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन सीटों के बारे में कितनी सीट, कौन कौन सीट, इस पर अभी फाइनल बात नहीं हुई है। फाइनल बात होगी फिर हम बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर किस रूप में देखते हैं और कितना सफल मानते हैं? अरे पूरी दुनिया अभी तो जो एक ही जो अभी का उदाहरण ले लीजिए, उसके अतिरिक्त बहुत सारा काम किया है इन्होंने। चंद्रयान पर भारत पहुंच गया, कितना गौरव की बात है सबके लिए। तो उस रूप में अब तो नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा कद हो गया है कि क्या उनके बारे में कहना है, अभी तो कोई विकल्प ही नहीं है उनका। 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे ही, अभी कोई विकल्प नहीं। सुना आपने क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने? लालू और नीतीश पर जमकर हमला बोला है, साथ ही सीबीआई को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि सीबीआई फंसा रही है लालू यादव को, उस पर भी बड़ा बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो देखा क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।